नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए खास जानकारी लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा हर व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है कि खासकर जो लोग जिम करते हैं उनके दिमाग में तो हर वक्त यही रहता है कि ऐसा क्या खाएं जिसमें जल्दी से जल्दी बढ़िया बॉडी बनाई जा सके। तो दोस्तों जब बात बॉडी बनाने की आती है तो लोग एक्सरसाइज की तरफ भागते हैं, ये सही है, एक्सरसाइज करेंगे तभी तो मसल बना पाएंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आपने कभी बॉडी बिल्डिंग पर थोड़ी बहुत रिसर्च की है? क्या आपने किसी बॉडी बिल्डर से ये पूछा कि उन्होंने इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बनाई? तो शायद नहीं। तो हम आपको सवाल बॉडी बनाने के लिए क्या खाएं का जवाब बाद में देंगे, पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहते हैं। और वो ये है कि बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी पहली चीज़ एक्सरसाइज नहीं बल्कि आपकी डाइट है। एक्सरसाइज दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा शरीर बनाने के लिए पहले शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर खाना चाहिए होता है। दोस्तों सच बताना, आज से पहले आप भी ऐसा ही सोचते थे ना कि सिर्फ तकड़ी एक्सरसाइज करने से बॉडी बनाई जा सके। हमारे देश में ऐसे लड़कों की कमी नहीं है जो हर रोज़ जी तोड़ मेहनत नहीं करते हो, चाहे वो घर पर कर रहे हो या फिर जिम में। कभी सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन सब की बॉडी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उन लोगों का इतना बजट नहीं होता कि वो बॉडी बनाने वाली डाइट ले सके। बॉडी बनाने के लिए भरपूर प्रोटीन वाली चीज़ें खानी पड़ती हैं जो कि बहुत महंगी पड़ती है। बस यहीं पर वो बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और बात समझने की कोशिश कीजिए, प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों क्या आप नहीं मानते कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से अगर अच्छी बॉडी बन पाती तो आज देश में हर तीसरा या चौथा लड़का एक अच्छा बॉडी बिल्डर होता? तो हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि अगर बढ़िया बॉडी बनानी है या मसल बनानी है तो आपको पैसे खर्च करने होंगे। बढ़िया बॉडी बिल्डिंग बनाने का एक महंगा गेम है जिसमें आपको निरंतर अपने शरीर पर पैसे खर्च करने होते हैं, क्योंकि आपको लगातार ऐसी चीज़ें खानी होती है जिनमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स और हेल्थी फैट हो। बात जब कार्ब्स की आती है तो इस लाइन में आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खानी होती है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं। अगर आपका बजट सही है और आप पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है तो हम भी आपको बता ही देते हैं कि अच्छी बॉडी या सेहत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए और उससे चीज़ को खाने से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। लेकिन एक बात आपको हम पहले ही बता देना चाहते हैं, यहाँ हम जितने भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स का जिक्र करेंगे ज़रूरी नहीं कि आप वो सब कुछ खाएं, सारी चीज़ें तो कोई खा भी नहीं पाएगा। आपको अपनी इच्छा और स्वाद के अनुसार ही इनमें से 3 या 4 चीज़ें चुननी हैं। इतनी सारी चीज़ें बताने का हमारा मकसद ये है कि आपको बस ये पता चल जाएगी बॉडी बनाने में फ़ायदेमंद चीज़ें कौन कौन सी होती है। तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों नंबर 1 केला। ज़्यादातर जो लोग बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं उनका स्टैमिना बहुत कम होता है, जिस वजह से वो लोग वर्कआउट करते समय बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। इसलिए जो लोग अभी भी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें शुरू के 6 महीने तक रोज़ कम से कम 2 या 3 केले ज़रूर खाने चाहिए। हो सके तो 1 केला अपना वर्कआउट शुरू करने से आधा घंटा पहले खाए। दोस्तों केला तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला फल है और इसकी ऊर्जा आपके वर्कआउट में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अगर आप बहुत दुबले पतले भी हैं और अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं तो केले आपके लिए वरदान साबित होंगे। अगर आप पहले से ही ज़्यादा मोटे हैं तो ज़्यादा केले न खाएं। तो दोस्तों नंबर 2 पर है सोयाबीन। सोयाबीन उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जवाब है जो पूछते रहते हैं कि बॉडी बनाने के लिए क्या खाएं। सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन सबसे कम दाम में मिल जाएगा। दोस्तों क्या आपको पता कि सोयाबीन के 100 ग्राम दानों में से 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है? सोचिए, इतना प्रोटीन इतने सस्ते में कहीं और नहीं मिलेगा। सोयाबीन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है जो दुबले पतले कमज़ोर नज़र आते हैं। ये आपका मसल मास बढ़ाने का काम करती है। आपको हर रोज़ सुबह 50 ग्राम भिगोई हुई सोयाबीन ज़रूर खानी चाहिए, कुछ ही दिन में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों नंबर 3 पर है अंडे। शायद ही ऐसा कोई अच्छा बॉडी बिल्डर होगा जो अंडे ना खाता हो। जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो अंडे का नाम सबसे पहले टॉप पर आता है, और अंडा आसानी से हर जगह उपलब्ध भी है, और अंडे खाना आपके बजट से बाहर भी नहीं होता। आपको हर रोज़ कम से कम 5 अंडे ज़रूर खाने चाहिए। बढ़िया मसल बनाने के लिए कम से कम 5 अंडे प्रतिदिन जो ज़रूरी है, 3 अंडे सुबह नाश्ते में और 2 अंडे शाम को एक्सरसाइज करने के बाद ज़रूर खाएं। अंडे से आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है। 1 अंडा खाने से आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अंडे के पूरे प्रोटीन का 80% हिस्सा उसके सफ़ेद वाले भाग में होता है, ना कि पीले वाले भाग में। तो दोस्तों नंबर 4 पर है ब्राउन राइस। बॉडी बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में ब्राउन राइस ज़रूर शामिल करनी चाहिए। सफ़ेद वाले चावल खाने से आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपका पेट बाहर निकल आएगा।
लेकिन ब्राउन राइस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व बढ़िया मात्रा में होते हैं। अपने शरीर के लिए कार्ब्स की पूर्ति करने के लिए ब्राउन राइस काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑप्शन है। इनमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप इन्हें अहम वर्कआउट से पहले यानी दोपहर लंच में लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों नंबर 5 है चिकन और मटन। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि आपकी बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करेगी। मांसपेशियों के विकास और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वैसे भी एनिमल प्रोटीन्स को अन्य प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप चिकन खाएं तो बिना स्किन के खाएं। इस तरह से अगर आप बॉइल्ड मटन खाएंगे तो वो फ्राइड मटन से ज़्यादा ताकतवर और फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों नंबर 6 पर है बादाम, अखरोट और काजू। बॉडी बनाने वाले वाला फूड में अगला नाम आता है बादाम, काजू और अखरोट का। इन तीनों से ना सिर्फ आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा बल्कि आप अपनी अतिरिक्त चर्बी को भी कम कर सकते हैं। आप इन्हें कभी भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, बस ये याद रखिए आपको लिमिट में खाना है। दोस्तों इनमें आपको प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी, ई, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर और हेल्थी फैट प्राप्त होती है। इनका इस्तेमाल करने से आपके अंदर कार्ब्स डाइट लेने की इच्छा भी कम हो जाती है, जिससे आप एक चर्बी रहित बॉडी बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आप रोज़ इनका इस्तेमाल नाश्ते से पहले और लंच के बाद लगभग 4 बजे कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 7 पर है पनीर। पनीर से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आपको विटामिन 12 और कैल्शियम मिलता है। ये आपकी मांसपेशियों के विकास के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हड्डियों को मजबूत होना कितना ज़रूरी होता है। जो लोग दुबले पतले होते हैं उनका पनीर ज़रूर खाना चाहिए। इससे ना सिर्फ उनका शरीर भरेगा बल्कि उनकी मांसपेशियों का विकास भी होगा। पनीर को आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आप इसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल करके खा सकते हैं या फिर कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे पनीर में फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो दोस्तों आप सब्जी में ज़्यादा मिलाकर खाएं। तो दोस्तों नंबर 8 पर है दूध। दूध के बिना शारीरिक पौष्टिक तत्वों की बात तो नहीं की जा सकती। दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे आसानी से पचाया भी जा सकता है। तगड़ा शरीर बनाने के लिए आपको शुरुआत में कम हर रोज़ 1 लीटर दूध जरूर पीना चाहिए। आप इसे 2 बार भी पी सकते हैं, आधा सुबह और आधा रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले। दूध आपके शरीर में प्रोटीन का स्तर हमेशा ऊंचा रखता है, जिससे मांसपेशियों का विकास होता रहता है। लेकिन दूध में कभी चीनी मिलाकर ना पिए। ऐसा करने से आपके शरीर में धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाएगा और आप दूध केवल फीका ही पिए। तो दोस्तों नंबर 9 पर है चने। चना बहुत ही ताकतवर होता है। इसमें पौष्टिक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। चने में प्रोटीन की कोई कमी नहीं होती। ये हमारे शरीर को लचकदार बनाने का काम भी करता है, जिससे मसल जल्दी बनाने लगती है। चने में काफ़ी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से थोड़े से चने भिगोकर खाने से आपको भरपूर शक्ति मिलती है। काला चना और भी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि चने खाने से बहुत ही कम समय में हमारा स्टैमिना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये थे कुछ बेहतरीन मसल यानी बॉडी बनाने वाले आहार, जिनका उपयोग करके आप काफ़ी कम समय में एक बॉडी बना सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इनमें से 3 या 4 चीज़ें छांट कर चुन लीजिए और आहार में शामिल कर लीजिए। कुछ ही दिन में बाद आपको खुद ही अच्छा बदलाव देखने को मिल जाएगा। और एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर बॉडी बनानी है तो हर 2 से 2.5 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ हेल्थी चीज़ खानी ही होगी, तभी आपकी मसल और विकास तेज़ी से लगातार हो पाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बॉडी बनाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।